माँ भारती को स्वतंत्र करवाने के लिए जिस तरह से राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने सूली पर चढ़ना स्वीकार किया और खुशी खुशी हंसते हुए बलिदान दे दिया, उसके बाद देश को जब आज़ादी मिली और तब से ही लगातार 23 मार्च को जो है शहीदी दिवस मनाया जाता है। जम्मू विश्वविद्यालय में इस मौके पर आज एक कार्यक्रम किया गया। हालांकि ये कार्यक्रम हर साल होता है रक्तदान शिविर का, और इस बार लक्ष्य ये रखा गया है कि लगभग 100 यूनिट ब्लड के यहाँ पर इकट्ठा किए जाएँ। पिछले साल 80 यूनिट थे, और इस बार जिस तरह छात्रों का उत्साह दिख रहा है तो लग रहा है कि जो इनकी अपेक्षा है उससे ज़्यादा ही छात्र रक्तदान करते हुए दिखेंगे। जिस तरह से स्टूडेंट्स आज रक्तदान कर रहे हैं और जो इनमें उत्साह दिख रहा है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये कैंप लगा रहा है और हर साल आज के दिन ये कैंप लगता है। अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, और जैसे हम देख भी रहेंगे काफ़ी युवा यहाँ पर आए हैं, कब तक ये चलेगा आज शाम तक, और अनुमान क्या है कि कितने युवा आज अपना रक्तदान करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होंगे? देखिए, अभी तक 40 प्लस युवाओं ने अपना रक्तदान कर दिया है और 100 प्लस ऐसा एक्सपेक्टेशन है, और हमने जो लिस्ट प्रिपेयर की थी 100 प्लस स्टूडेंट्स कैसे लिस्ट है। हर वर्ष विद्यार्थी परिषद त्रिमूर्ति बलिदान दिवस के अवसर पर, जिस दिन राजगुरु भगत सिंह जी और सुखदेव जी को फांसी हुई थी, उस अवसर पर विद्यार्थी परिषद जो है ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करती है। और आज के कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह रही कि आज के कार्यक्रम के दौरान ही वाइस चांसलर साहब इस कार्यक्रम के बीच में आए, उन्होंने इस कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया और स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा भी लिया गया है, और विद्यार्थी परिषद जहां कुछ समय पहले हम लोग इसी कार्यक्रम को कैंपस के बाहर हमको लगाना पड़ता था क्योंकि यहां की एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं देती थी, तो इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव जो काम है, जो छात्र हित में काम है, जो समाज के हित में काम है, जो विद्यार्थी परिषद हर वर्ष करता है, कहीं ना कहीं जब यूनिवर्सिटी खुद यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग जो हैं, चाहे वो वाइस चांसलर साहब आके स्टूडेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा जो एक वेलकम स्टेप वाइस चांसलर साहब की तरफ से रही है। कोशिश ये होती है कि हर साल जो है वो संख्या बढ़ाई जाए, लोग ज़्यादा हैं। पिछले बार कितने लोगों ने यूनिट रक्तदान किया था? नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिंह है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। मेरी पढ़ाई लॉ डिपार्टमेंट से चल रही है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि पिछले साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर त्रिमूर्ति बलिदान दिवस के ऊपर जब ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, उस समय पर हमारे पास 80 यूनिट विश्वविद्यालय से दिया गया था ब्लड वॉलंटियर्स ने, और इस साल हमने लक्ष्य जो है 100 प्लस रखा है कि 100 प्लस यूनिट जो है विश्वविद्यालय से जाए। हम जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय पिछले 40 वर्ष से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप जो है जहां लगाती है त्रिमूर्ति बलिदान दिवस के रूप में। हम जानते हैं कि त्रिमूर्ति शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को आज के पावन पवित्र अवसर पर, पावन पवित्र दिन पर उनको याद किया जाता है कि आज़ाद भारत से पहले उन लोगों को भारत की स्वतंत्रता के लिए माँ भारती के श्री चरणों में उनको अपनी जान नुशावर करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार जो आज़ाद भारत के बाद जो युवा है उनके और उनका क्या दायित्व है समाज के उत्थान के और माँ भारती के लिए, तो हम सभी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने पिछले 40 वर्ष में जो सोचा था कि विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा युवा रहता है, तो क्यों ना हम युवा हमारे ही एज के उन लोगों ने अपनी अगर जान नौशावर की है देश के लिए, तो हम एक बूंद दो बूंद देकर किसी एक रिक्वायरमेंट्स लोगों को जो ज़रूरतमंद तड़फ रहा है बेड पर, तो उसको जो बूंद देकर अपने ब्लड की एक बूंद देकर उसको नया जीवन दें। तो अगर मैं बात करूँ लड़कियों कहीं ना कहीं रक्तदान करने में हाथ खींचती थी, लेकिन आज के समय में देखें वो भी बहुत बराबर उसकी इवन की ज़्यादा दिख रहे हैं उनका जो रुझान है इस तरफ रक्तदान की तरफ, आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को जो है त्रिमूर्ति बलिदान दिवस के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ कि आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने जो है शहादत दे करके अपने देश के लिए अपना नाम जो है देश के नाम किया था, और उनको मैं जो है नमन करना चाहती हूँ। और जैसे आपने कहा, हाँ, एक समय था कि छात्राएँ जो लड़कियाँ थीं वो रक्तदान देने से थोड़ा घबराती थी, परंतु आपको जानकर ये बहुत हर्ष होगा कि विद्यार्थी परिषद काफ़ी लंबे समय से जो है वो रक्तदान शिविर तो लगा ही रही है, साथ ही साथ जो बहनें हैं उनको जो है रक्तदान देने से खून में कमी नहीं आती है बॉडी में, ऐसा जो टैबू था उसको तोड़ने का काम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया, एक अवेयरनेस भी जो है वो चलाई कि अगर सिर्फ जो रक्तदान है वो सिर्फ छात्र नहीं बल्कि बहनें भी कर सकती हैं, और रक्तदान करने के बाद जो है कमी नहीं आती है बॉडी में बल्कि आप और स्वस्थ हो जाते हैं। और
इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि आज जो है छात्राएं भी यहाँ पे रक्तदान देती हुई आपको जो है वो नज़र आएंगी। तो आपको मैं बताऊँ, छात्रें नहीं, यहाँ पर सिविल सोसाइटी से और भी लोग यहाँ पर आकर रक्तदान कर रहे हैं। इवन कि जर्नलिज्म फील्ड से भी जुड़े हुए लोगों ने रक्तदान किया है। मेरे साथ हमारे साथी हैं विकास भगत। विकास, आप भी रक्तदान करके आए हैं और एक संदेश अच्छा है कि सबको करना चाहिए, क्या कहेंगे? जब फीलिंग क्या थी, क्योंकि आज त्रिमूर्ति दिवस है, बड़ा खास दिन है हमारा, ये आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने रक्तदान किया और सबको करना चाहिए, रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है जी। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, हालांकि मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि लाइफ में एटलीस्ट आप शुरुआत तो कीजिए किसी चीज़ के लिए, फिर ऐसा कुछ नहीं है कि लोग डरते हैं कि हम रक्तदान करके वीकनेस हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, आप हमेशा ये चीज़ कवर करते होंगे, तो इस बार कैसे मन में भाव आया कि मैं भी दूं? इस बार मैंने सोचा ही था कि ब्लड डोनेट करना है, मैंने कभी किया नहीं था। अच्छा। तो ऐसे तो बाकी सोशल वर्क तो करते रहते, पर ये कभी नहीं किया था, तो इस टाइम फर्स्ट टाइम। एक जो एक डर का वो होता ना कि इतना लंबा निकालेंगे ब्लड निकालेंगे, पेन होगी, वैसा कुछ नहीं? पेन तो उसी टाइम हुई, बाकी मेरे सामने एक बैठे थे, उन्होंने ब्लड डोनेट किया, उनको चक्कर आ गए, तो बस उनकी तरफ मत देखो, अपना आप देखो, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहा, तो अच्छा। अब आपका रास्ता खुल गया, आप आगे करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब तो यही सोच रहा हूँ कि यहाँ नहीं तो जैसे और कोई नीडी हो जी, जी। उनको जरूर करें। हाँ, तो साफ तौर पे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर हमारे जर्नलिज्म फील्ड के लोग हैं, वो भी यहाँ पे आकर रक्तदान कर रहे हैं। ये बस लगाई गई है और रैंडमली स्टूडेंट्स सुबह से ही आज त्रिमूर्ति दिवस, शहीदी दिवस के ऊपर जो है वो रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस चीज़ की महत्वता समझते भी हैं कि खून की एक एक बूंद जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, और अगर किसी ज़रूरतमंद को इनका दिया हुआ रक्त जो है वो मिले उस सही समय पर, तो उसकी जान बचाई जा सकती है।